आज छठी के मौके पे जो भीड़ आती है उसमें कई तरह के लोग आते हैं, तो यहाँ पे दरगाह क्षेत्र में चूँकि नशे की समस्या है पुरानी, इसमें सरवाड़ में जो उर्स चल रहा है, तो ऐसे संकेत थे कि काफ़ी सारे लोग जो नशा का व्यापार करते हैं उनके आने की संभावना थी, जिस पर लगातार गश्त और निगरानी की जा रही थी। तो दौरान गश्त ही एक व्यक्ति चिलम पीता हुआ नज़र आया, जिसको चेक किया तो उसके साथ में पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति भागने लगा, उसको भी पकड़ा, चेक किया तो उनके पास बैग में 350 ग्राम तो चरस, जिसकी कीमत करीब इंटरनेशनल मार्केट में 10 लाख रुपए है, और 400 ग्राम गांजा मिला है। दोनों को गिरफ्तार किया, दोनों ही बिहार के रहने वाले हैं, एक का नाम मोहम्मद खुर्शीद है और दूसरे का नाम मोहम्मद महबूब उर्फ आलम। दोनों को अरेस्ट किया है, दोनों ने बताया कि वो जो माल लेके आए हैं वो 1 किलो माल लाए थे, 1 किलो चरस मनाली से, और मनाली से माल लेके चले, कुछ माल यहाँ के लिए रख लिया और बाकी का माल रवाना कर दिया एक सरफराज नाम के व्यक्ति के हाथ में बंगाल के लिए। और यहाँ जो माल जिसको देने आए थे वो एक खादिम समुदाय का व्यक्ति है, जिसका नाम अनुसंधान में अभी गुप्त रखा है, क्योंकि अभी अनुसंधान शेष है। अनुसंधान श्री धर्मवीर सिंह जी SHO गंज के नाम किया श्रीमान एसपी साहब ने। समस्त कार्यवाही में ASP साहब श्री विकास सांगवान साहब और हमारी जो CEO हैं एडिशनल SP साहब प्रियंका रघुवंशी जी का पूरा पर्यवेक्षण और सुपरविजन रहा है, और कार्यवाही अभी भी पूछताछ जारी है। क्या ये दोनों के ऊपर कोई कार्रवाई पूर्व में हुई है? पूर्व में पूछताछ में उन्होंने कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं बताया, लेकिन चूंकि उसने एक बात स्वीकार की है कि मैं पिछले 5-7 साल से यहाँ माल लेके आ रहा हूँ, इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बड़े रैकेट से जुड़ा हुआ है और इस पर अनुसंधान किया जाना आवश्यक है, इसलिए अभी गहरा अनुसंधान किया जाएगा। हमेशा से मनाली से लाता है या अलग अलग जगह से लाता है? बिल्कुल मनाली से लाता है, दो तरह की चरस आना बताता है, एक तो मनाली से आती है और एक जम्मू कश्मीर से आती है। जम्मू कश्मीर वाली जो चरस है वो ज़्यादा महंगी होती है, मनाली की चरस जो है वो थोड़ा कम महंगी है, तो ये मनाली का जो माल लाता है वो यहाँ पर काफ़ी पसंद करते हैं लोग। अन्य गिरफ्तारी होने की भी संभावना है? बिल्कुल, जो भी इसमें लिप्त हैं 8/29 में मुलजिम बनाएंगे, कार्रवाई होगी।